today in the SDM office, Mohanpur. There was an attack to our chairman of Tripura Morcha, and I would like to tell the media, through media, that Tripura Morcha chairman Maharaj is not only the chairman of Tripura Morcha, but as a whole, he is the Maharaj of our people. And attacking Maharaj, the chairman of Tripura Morcha, is attacking to the whole Tripura side. So we strongly condemn of the nature of these people, and police couldn't do anything. And therefore, I would like to invite Maharaj to kindly address to the media, citing what has happened today and the rest. Please, Maharaj. Thank you. सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपील थ्रू द मीडिया दैट आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ और आई एम हियरिंग, आई हैव स्पोकन टू द डीजीपी, देर आर सम पीपल जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप प्लीज कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, गुंडागर्दी का रिएक्शन गुंडागर्दी करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा, आप लोग शांति से घर में जाकर बैठ जाइए, जो करना है वो मैं करूँगा, कानून पे डायरेक्टली करूंगा, मैं थ्रू द मीडिया अभी करना चाहता हूँ, डो नॉट टेक लॉ इनटू योर हैंड्स। सेकेंड बात है कि टुडे आई हैव गॉन टू एसडीएम ऑफिस इन मोहनपुर, वन ऑफ माय कैंडिडेट हिज काउंटिंग एजेंट्स आईडी कार्ड्स वर नॉट बीइंग डिलेड, सो आई वुड से दैट एंड ही वाज अंडर थ्रेट कि मुझे डर है कि कुछ हो जाएगा, आज आप जानते हैं कि विश्रामगंज में क्या हुआ, हम तरीके क्या हुआ, तो मैं गया, आईडी कार्ड रेडी था, हमने अच्छे से 2 मिनट बात किया विद द एसडीएम, वी वर अबाउट टू लीव, तब हमने सीसीटीवी कैमरा से देखा और तब आवाज़ निकली और हटा करके ऑलमोस्ट मैनी गिनती नहीं सकता, बहुत लोग अंदर गए, एसडीएम ऑफिस के अंदर घुसे, तोड़फोड़ किया, हाथ में उनके पास आर्म्स था, हथियार थे, अटैक किया और उनका हमला टारगेट मैं था, ये ऑलमोस्ट 1 घंटा चला, एसडीएम के ऑफिस में मैं था, मेरे संग श्रीराम था, एंथनी देवर्मा था, हम लोग सिर्फ 3-4 लोग ही थे, कैंडिडेट था, और जो आज हुआ है उससे क्लियरली दिखाया जाता है कि ये लोग प्री प्लान हमारे ऊपर अटैक करने आए हैं, उनके पास हथियार था, उनके पास पूरा एजेंडा था, उन्होंने एसडीएम के ऑफिस को बाहर से लॉक करके अंदर से लॉक करके अंदर घुस गए, अभी तक किसी को अरेस्ट भी नहीं किया गया, और अगर मैं ये फेसबुक लाइव नहीं करता तो शायद किसी को मालूम भी नहीं होता कि क्या होने वाला है, अगर मैं आज इसको फेसबुक लाइव नहीं करता तो रिएक्शन भी नहीं होता, आपने क्लियरली देखा है उस वीडियो में जो मैंने लाइव किया कि पुलिस अपनी जगह में बैठी हुई थी, पुलिस के डंडे को लेकर हमारे लोगों को मारा गया, पुलिस के ऊपर भी आपने खुद देखा, ऑफिसर देखा कि हमारे लोग भी इंजर्ड हुए, तो आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, जब एसडीएम के ऑफिस में ही तोड़फोड़ होगा, जब मैं जैसा इंसान मैं ही सुरक्षित नहीं हो चुका हूं, तो हमारे काउंटिंग एजेंट्स, हमारे वोटर्स, कोई भी किसी को वोट करो आप, बीजेपी सीपीएम आईपीएफ की कांग्रेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कैसा से करेंगे, तो आज आपने देखा है कि ये एक्टिव गुंडागर्दी और माफियागिरी इन मोहनपुर एसडीएम ऑफिस, एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैंने अपने लोगों को फिर से कहा है कि कानून अपना हाथ में मत लीजिए, आप रिएक्ट मत कीजिए, घर में जाकर बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये लोग डरा धमका कर ना तिपरा मोथा के चेयरमैन प्रद्युत मानिके को डरा सकते हैं, ना मेरा एजेंडा को डरा सकते हैं, ना असेंबली में मेरे खिलाफ कुछ भी बोलकर मुझे डरा सकते हैं, ना असेंबली के बाहर डरा सकते हैं, और मैं उनको क्लियर वार्निंग दे रहा हूं कि
अगर आप लोग को मेरे साथ कुछ करना है तो सामने आकर पॉलिटिकली अटैक कीजिए, कानून को अपने हाथ में लेकर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तोड़फाड़ करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपको लड़ना भी है तो इलेक्शन में लड़िए, इलेक्शन में कल जब रिजल्ट आएगा आपको मालूम पड़ जाएगा कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, लेकिन आप डेमोक्रेसी को ऐसा स्कटल नहीं कर सकते। और अगर आपको मुझे डराना है तो ये आपने गलत तरीका निकाला प्रद्योत मानिकी को डराने के लिए। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, प्रद्योत मानिकी इज रेडी फॉर एनी चैलेंज, ब्रिंग इट ऑन, बट यू विल नॉट स्केयर मी। अब मैं और ताकत से ग्राउंड में पॉलिटिकली शांति से मैं लड़ूंगा। इस इलेक्शन में मैंने किसी के खिलाफ एक नेगेटिव बात नहीं किया है, मैंने पॉजिटिव कैंपेन लड़ा है। आज मेरे ऊपर ही अटैक हो रहा है। आज अगर एसडीएम अपना ऑफिस बंद नहीं करता तो आज शायद मैं यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं देता। लोगों ने यह भी बोला है कि राउंड्स ऑफ फायर शॉट्स ऑफ फायर, मैं ओपनली कॉरोबरेट नहीं कर सकता, लेकिन यहां में मेरे लोग ने कहा कि राउंड्स ऑफ ओपनली फायर 6 राउंड्स। ये लोग प्री प्लान्ड आए, इनको जो करना है, लेकिन ये मुझे नहीं देना सकते। आई एम टेलिंग द मीडिया अगेन कि जो भी हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। मैंने सीएम से खुद भी बात किया है, सीएम ने खुद कहा है कि ये गलत बात हुआ है। मैं इसमें सिर्फ ये बोल रहा हूं, जिसने कानून को तोड़ा है वो उनका माए बाप एमएलए हो या मंत्री हो, उनके खिलाफ अरेस्ट होना चाहिए। अभी तक एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ, आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा, मैंने खुद लाइव किया, पुलिस सामने खड़ा है, ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, एक आदमी अरेस्ट नहीं। तो ये क्या हो रहा है? और मैं तभी भी नेगेटिव कैंपेन में नहीं जाऊंगा, मैं आज भी सीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आज भी डीजीपी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा कि उसका खुद से फोन आया था। लेकिन मैं एक व्यक्ति को, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक व्यक्ति को ओपनली बोलना चाहता हूं, आप मेरे खिलाफ कुछ भी बोल दे असेंबली में या एसडीएम ऑफिस में अपने गुंडे को भेजकर, प्रद्योत विक्रम मानिक्य इज रेडी फॉर अ चैलेंज, आना है तो खुले मैदान में हमसे इलेक्शन में लड़ो। मैं देखता हूं दूध का दूध पानी का पानी होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी राइट नाउ। आई वांट टू आल्सो गो एंड रिलैक्स, आई एम वेरी अपसेट, आई एम वेरी हर्ट दैट दिस कैन हैपन टू पीपल लाइक अस, बट इट्स ओके। आई एम अपीलिंग टू एवरीवन टू कीप काम एंड नॉट रिएक्ट, डू नॉट टेक लॉ इनटू योर हैंड्स। द बेस्ट आंसर इज टुमारो व्हेन वी विन द इलेक्शन, डू नॉट टेक लॉ इनटू योर हैंड्स। अपने घर में जाकर आराम कीजिए। ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो और रियल इश्यू में कोई बात नहीं करे, कोई ड्रग्स के बारे में बात नहीं करे, कोई माफिया गिरी के बारे में बात नहीं करे, मैं ओपन बॉर्डर जो चल रहा है बांग्लादेश का उसके बारे में बात नहीं करे, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आप देखिए इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, अगर पीडीएस कोई क्वेश्चन शुरू होने पहले आई थिंक वो घबराए हुए हैं। इलेक्शन डे में आपने देखा कैसा रिगिंग करने की कोशिश हो रही, उसी एरिया में भी हो, और आज आप ये देखें अगर मैं फेसबुक लाइव नहीं करता तो किसी को मालूम नहीं होता क्या होगा। और अगर ये मेरे साथ हो सकता तो चंदन कैन हैपन टू एनीबडी। मैं वहां में सिर्फ हम लोग चार लोग गए, चार या पांच, वो लोग पूरा रेडी थे। और आप एसडीएम का खुद रिपोर्ट देखिए, आप पुलिस का खुद बयान देखिए क्या हुआ। और डीजीपी ने मुझे बोला है कि वो देखेंगे मामला को, आई हैव फुल फेथ इन द डीजीपी, इज अ ऑनरेबल मैन, बट दिस इज अनएक्सेप्टेबल। We also believe this was a failure on part of police, and we seek the support of central personnel while the counting was. It is absolutely a failure on the part of the administration. CCTV cameras say they are standing there. Police ka danda lekar log andar ghuse. SDM ka office ko bahar se lock kar diye. If the SDM of Tripura is not safe, how are you going to do counting in that area? How are the average common person see? It is very clear. And if I had not done that live video, nobody would have known.
सर कौन सी पार्टी से और कौन क्या उसको पता चला? देखो मैंने हमेशा ये कहा है कि गुंडा का कोई पार्टी नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ये गुंडे लोग एक टाइम कांग्रेस में थे, तब सीपीएम आए तो सीपीएम में संग गए, आज बीजेपी में, कल अगर कोई और आएगा तो वहां भी जाएगा। लेकिन ये गुंडे लोग वही लोग हैं जो एमएलए का पेट पेज लेते हैं पिछले 15-20 साल। ये पुलिस को करना है इलेक्शन, अब तक शांति मौर्य शांति थी गए बारे में वोटिंग डे में जो हुआ, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया में पहले से भी 2-3 बार प्रॉब्लम हो चुकी। ये जो आज मैं पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं कि 1-2 व्यक्ति हैं जो मुझे पर्सनली खत्म करना चाहते हैं, और वो आदमी या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोले या गुंडागर्दी में करे, मैं नहीं करने वाला। आई नो एग्जैक्टली, आप लोग सब जानते हैं कि ये आदमी कौन है या इनके लोग कौन है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइन। वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड ऑन माय सिक्योरिटी, बट आई थिंक मोर देन माय सिक्योरिटी, आई थिंक द अरेस्ट ऑफ गुंडास, क्रिमिनल्स, माफियाज, मुझे 2 बॉडीगार्ड, 3 बॉडीगार्ड, 10 बॉडीगार्ड देने से कुछ नहीं होगा। पहले जिसने तोड़फोड़ किया है, जिसने ये शुरू किया प्रॉब्लम, उनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि अगर आज मैं हूं कल कोई और होगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि क्रिमिनल्स का कोई पार्टी नहीं होता, जात नहीं होता, धर्म नहीं होता। ये क्रिमिनल्स वहीं में जाते हैं जहां पर उनको प्रोटेक्शन मिलता है। आज प्रोटेक्शन कोई नेता दे रहा है, इसके लिए आज उनके साथ है, कल कोई और आएगा तो लोग वहीं में जाएंगे। अच्छा महाराज, आप खुद एसडीएम ऑफिस में अटैक हुआ, तो एसडीएम ऑफिस एक सब डिविजन का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस विषय में आपका लॉ एंड ऑर्डर से क्या मतलब? ये जो आज हुआ है ये बहुत दुख, मुझे दुख लगता है। एसडीएम मेरे सामने अपने फैमिली को फोन करके बोल रहा था कि अगर कुछ हो गए तो मैं ये 2021 में आपने मेरा पूरा कैंपेन देखा, मैंने पूरे कैंपेन में एक आदमी को कुछ नहीं कहा। इन लोगों का पूरा कैंपेन ही नफरत में, किसी को पर्सनली अटैक करो, किसी को वहां में अटैक करो। मैंने आज तक एक शब्द मानिक सरकार के खिलाफ नहीं बोला पूरे कैंपेन में, मैंने आज तक एक शब्द हमारे चीफ मिनिस्टर के बारे में नहीं बोला, एनसीडी पर मेवा के बारे में नहीं बोला। लेकिन एक व्यक्ति हमारे ऊपर अटैक करते रहता है, और आज आपने जो देखा है, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? पुलिस तो था वहां, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुलिस को भी लगता है लोकल लेवल पे, मैं हाई लेवल में नहीं बोल रहा हूं, डीजीपी के लेवल में नहीं बोल रहा, लोकल लेवल कि उनको प्रोटेक्शन है उनके नेता से। क्राइम क्यों बढ़ता है जब सबको लगता है कि उनका जो ऊपर अन्नदाता है, लीडर है, वही उनको प्रोटेक्शन करता है? क्लियर बात है? जब आदमी लोग डर जाते हैं तो गलती करते हैं, when they're scared, ना? Then that's when they do this. अगर वो लोग इलेक्शन जीते तो क्या रहता? मैंने क्या किया उनके खिलाफ? मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी उनके साथ? मैंने किसी को गाली धमकी देकर मैं अंदर गया? मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत तौर में, तो क्यों किए? किसी ने पैसा दिया इनको? ये लोग तो केड़ा के टट्टू है ना, कोई पैसा दे तो कहीं में कुछ किसी को भी मार दे पीट दे। इसके लिए मैं कहता हूं कि इनका कोई जात धर्म पार्टी नहीं होता, ये लोग हायर क्रिमिनल्स हैं। इनको जब तक हम लोग के पॉलिटिशियंस लोग ऐसे लोगों को फंडिंग करते रहेंगे, त्रिपुरा में कोई सेफ नहीं रहेगा, ना बीजेपी का कोई सेफ रहेगा, ना कांग्रेस का रहेगा, ना त्रिपुरा मोर्चा का, आईपीएफटी का, सीपीएम का, कोई सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग पैसा देकर क्राइम करते हैं। इसके लिए मैं प्रेस से बोल रहा हूं, और मैंने डीजीपी से भी बात किया, मैंने सीएम से बात किया, मैं फिर से अपील करता हूं कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। अगर आज कुछ और उल्टा हो जाता, आज अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या क्या रिएक्शन होता है? मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में दंगा, मैं एकदम नहीं चाहता, और जो करना चाहते वो चाहते हैं कि कुछ हो, तब रियल इश्यू में कोई बात नहीं करे,
टेंशन क्लियर अप। इसी के लिए मैं आपसे फिर से आपके थ्रू बोल रहा हूं कि इब्राहिम मोथा को और जो भी हमारे लोग हैं, आप लोग कानून अपने हाथ में मत लीजिए। ये लोग चाहते हैं कि कुछ उलट उल्टा हो। हम लोग अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा ऐसे ही जीत रहे। ये लोग चाहते हैं कि रियल इशू में बात ना हो और जाति धर्म में बात हो। मैं ये नहीं चाहता। I want peace and I want action to be taken against these criminals and I want accountability. Tomorrow, if there is again violence, then you will see that how long will you tell people to be quiet? Counting them is something social media mein dekha. Aaj maine agar Facebook live nahi kiya hota, how would you all do? पुलिस इज टेलिंग मी आपको सेव रखना है। मैं बोल रहा हूं उनको अरेस्ट करो। जो गुंडागर्दी कर रहा है उनको अरेस्ट करो। पुलिस बोल रहा है नहीं नहीं आपको सेव रखना। अरे उनको क्यों नहीं अरेस्ट? वो तो एसडीएम का ऑफिस हमारे सामने तोड़ रहे। पुलिस का काम है वीआईपी को सिर्फ सेव रखना या गुंडे को पकड़ना। मुझे लगता है कि पहला काम होता है पुलिस का गुंडा को पकड़ना। उसने कहा है कि वो बहुत चिंतित है। उसने कहा कि वो कंसर्न है। उसने मेरा हाल चाल पूछा। मैंने कहा मैं ठीक हूं। उसने कहा कि वो इसमें पूरा सख्त से कार्रवाई करेंगे, डीजीपी से बात करेंगे। डीजीपी का भी फोन आया और मुझे इसमें कोई पर्सनल कमेंट करने का दरकार नहीं है। सीएम का फोन आया था, उसने मेरा हाल चाल पूछा। मैंने कहा मैं ठीक हूं। आप फोन किया था या वो खुद फोन किया था? मैं नहीं फोन नहीं किया, उन्होंने टर्न का फोन आया था। मैंने बताया। थैंक यू। ओके थैंक यू।